पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए अब केंद्र सरकार भी अपने हिस्से की धनराशि देने जा रही है। प्रोजेक्ट के लिए केंद्र राज्य सरकार और पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड PMRCL के बीच त्रिपक्षीय करार हो चुका है। केंद्र से पैसा मिलने के साथ ही PMRCL का स्वरूप भी बदलने जा रहा है। अब चेयरमैन केंद्र सरकार का होगा, वहीं 5 निदेशक भी केंद्रीय शहरी आवासन एवं कार्य मंत्रालय नामित करेगा। पटना में मेट्रो के 2 कॉरिडोर स्वीकृत हुए हैं। इसके निर्माण का काम PMRCL ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया है। राज्य सरकार ने अपने हिस्से की कुछ धनराशि देकर प्रोजेक्ट का काम शुरू करा दिया है, मगर केंद्र सरकार को भी 20% हिस्सेदारी देनी है। करार के बाद अब केंद्र सरकार यह धनराशि जारी करेगा। पहले किश्त के रूप में 50 करोड़ रुपये मिलने जा रहे हैं। त्रिपक्षीय करार की कॉपी PMRCL को मंगलवार को प्राप्त हो गई है। इसे लेने के लिए GM वर्क्स विजयशील कश्यप को सोमवार को दिल्ली भेजा गया था। बता दे, जल्द ही केंद्र चेयरमैन की नियुक्ति करेगा। संभावना है कि इसके लिए केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय ने किसी एडिशनल सेक्रेटरी को नामित किया जाए। नेक्स्ट 9 भोजपुरी से रोहित की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।